तो हर दिन आप वेखते हैं भी आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का प्यार जो इस तरीके दे लोग जो तीन तीन जनरेशन तो कोई कांग्रेस पार्टी नाल कोई अकाली दल नाल जुड़िया हुआ सी वख वख पार्टियां नाल जुड़े सी वख वख समाज सेवा दी संस्थावां नाल जुड़े सी वो सारे बंदे आम आदमी पार्टी के प्रति एक विश्वास विखाते हुए आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अज भी आप वेख्या भावें डॉक्टर मुल्तानी की गल करिए भावें रंधावा साहब की गल करिए जिन्हां दी तीसरी पीढ़ी कांग्रेस पार्टी नाल जुड़ी सी ते अज आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। इन्हां दे नाल मार्केट कमेटी के सबका चेयरमैन मार्केट कमेटी के मौजूदा चेयरमैन तो होर बहुत सारे इन्हां दे साथी सारे ने अज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है जिथे मैं आम आदमी पार्टी के कौमी संयोजक अरविंद केजरीवाल जी वालों आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान भगवंत मान जी वालों सारी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप वालों इन्हों का स्वागत करदा उत्थे मैं पूरा विश्वास है कि इन्हों के आने नाल पार्टी भी मजबूती मिलेगी तो इन्हों के हल्कों में है जो इन्हों की सेवावान ने तो आम आदमी पार्टी की जो नीतियां ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के जो काम ने उन्होंने अगे पहुँचाणगे तो भावें एम सी दे इलैक्शन ने आने वाले 2022 दे पंजाब विधानसभा के इलैक्शन ने हर थां ते इन्हां दी जो मौजूदगी है वो पार्टी नूं मजबूत करेगी। एक बार फिर तो इन्हां सारे नवें परिवार के मैंबरां दा आम आदमी पार्टी के इस परिवार विच बहुत बहुत स्वागत सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हर दिन देश के संविधान नूं ताक ते रख के भावें केंद्र सरकार है या केंद्र सरकार के अधीन जिहड़े महकमे आउंदे ने उन्हां वालों फैसले लिते जा रहे हैं। एक पासे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह चुकी है बई मसला दिल्ली पुलिस ते किसानां दे विच दा असीं इहदे ते कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, पर हले भी जो मीटिंग हुई है मैनूं लगता नहीं उहदा कोई सिट्टा निकले है। किसी भी भारत का जो नागरिक है उहदा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वह कितें भी जाके प्रोटेस्ट कर सकता है तो जिस तरीके यह प्रोटेस्ट हो रहा है अपने आप एक मिसाल है भी जिन्ने पीसफुली तरीके नाल प्रोटेस्ट साडे किसान साथी कर रहे हैं तो मैनूं लगता हर हाल में इस प्रोटेस्ट नूं करन दी इजाजत देनी चाहिए है। जे वो इजाजत नहीं भी देंदे तां वी किसान प्रोटेस्ट करनगे। आम आदमी पार्टी पंजाब दी सारी टीम साडे सारे MLAs ते दिल्ली आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार हर तरीके नाल इस किसानां दा जो ट्रैक्टर मार्च है उहनूं पूरी तरह सपोर्ट करेगी। देखो किसानां ने हुण फिर जत्थेबंदियां दे जिहड़े आगू ने उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट करता है मीटिंग तो पहले ही उन्होंने दसता भी सानूं इस मीटिंग तो कोई आस नहीं, अगली मीटिंग तां सद्दिओ जिथे गल ही कानूनां दे रद्द करन तों शुरू होवे। आपां वेख लिया भी 10 मीटिंगां हो चुकी हैं हले तक कोई सिट्टा नहीं निकलिया, सारी मीटिंग्स बेनतीजा रही हैं, पर किसानां दी मंग जो है असीं सलाम करदे हां उन्हां दे सबर नूं, उन्हां दी इस संघर्ष विच जो मजबूती है जिस डेडिकेशन नाल ओह लगे ने उहनूं सलाम करदे हां ते कानून रद्द करा के ही वापस आएंगे उन्हां दे इस संघर्ष नूं सानूं पता लगता है। आम आदमी पार्टी पहले दिन तो किसानां दी इस कानून रद्द करन दी मंग दे नाल खड़ी सी ते जद तक इह कानून रद्द नहीं हुंदे आपां हर तरीके नाल इस संघर्ष नूं मजबूत करन लई उन्हां दे नाल खड़े रहांगे। जो समा गुजर जांदा उस तों वड्डा सच कुछ नहीं हुंदा, आपां वेख सकदे हां अज 50 दिन तों उपर इस प्रोटेस्ट नूं चलदे होगे, एक भी कोई इदां दा केस तुसीं दस दिओ जिथे लॉ एंड आर्डर दी सिचुएशन किसान जत्थेबंदियां या इन्हां विच शामिल किसी बंदे ने कितें भी लॉ एंड आर्डर दी सिचुएशन खराब कीती होवे ते सिर्फ केंद्र सरकार दे इशारे ते दिल्ली पुलिस इस लड़ाई नूं कमज़ोर करन वास्ते इह मार्च नूं रोकण दी कोशिश कर रही है ते बिल्कुल दिल्ली पुलिस नूं भी आपां कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार के इशारियां दे काम ना करके अपनी जो ड्यूटीज़ ने उन्हों फॉलो करन। किसान जत्थेबंदियां बिल्कुल पीसफुल तरीके नाल अपनी मंग रख रही ने, 10 मीटिंगां होने तो बाद भी उन्होंने सबर का जो हौसला है वह खत्म नहीं होया, हर दिन वाधा जा रहा है तो हर हाल में दिल्ली पुलिस को सगों सपोर्ट करना चाहिए। इस ट्रैक्टर मार्च कट के जो संदेश देना चाह रहे हैं वो केंद्र सरकार के कन्नों तक होर मजबूती नाल पहुँचाने वास्ते हर बंदे नूं पुलिस ही नहीं मैनूं लगता हर भारतवासी नूं जवान खादा है हर उस बंदे की जिम्मेवारी है इस ट्रैक्टर मार्च में सफल करन विच जो भी उहदा योगदान बनता है वो उन्होंने सपोर्ट करे। असी पहला भी कहा सरकार के दबाव में आके कोई भी अफसर इदा दे आदेश ना दे, पिछला समा जो सी उहदे च तुसीं वेख सकते हो बूथ कैप्चरिंग तो लैके तो जिन्ने भी डिपार्टमेंट इलैक्शन इनवोल्व होंदे ने इन्हां वालों रूलिंग पार्टी नूं फेवर करन दे कई सारे मसले सामने आए ने। न्यूट्रल तरीके नाल निरपक्ष तरीके नाल इलैक्शन हो सकन इस करके पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड की गई है जो कि जायज़ है। पिछले समय तुसीं वेख सकते हो हर तरीके नाल महकमियां वालों रूलिंग पार्टी नूं सपोर्ट किया गया इस करके पैरामिलिट्री फोर्स से निरपक्ष इलैक्शन की डिमांड की जा रही है।